यह मुद्दा उत्कल मिलित मध्य विद्यालय बलवा की है, जो कि बराड़ी प्रखंड के कटिहार जिला का ही अंतर्गत पड़ता है। यह स्कूल ऐसा गलत जगह पे बन गया है कि स्कूल का प्रांगण में थोड़ा सा भी यदि पानी बारिश होते हैं तो घुटना भर पानी जम जाते हैं और बच्चे को डूबने का आशंका बन जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल का टीचर को भी क्लासरूम जाने में बहुत दिक्कत होते हैं। अभी आपका स्कूल में पानी जमा हो गया है, बच्चे के साथ क्या समस्या गुजर रहे हैं? बच्चे के समस्या क्या, कोई बच्चा ज़्यादा छोटा बच्चा गिर जाएगा तो डूब भी सकता है, करीब हाफ मीटर पानी जमा है। तो आप इस पानी के लिए आप क्या सोच रहे हैं? सोचे हैं अगर सरकार की तरफ से कोई मिल जाए तो भरने भरने का, मिट्टी भरने का या जल जमा कर वहाँ कलघट घर बनाने का, तो बहुत अच्छी बात है। जब जाते हैं तो पीछल जाते हैं और कभी गिर भी जाते हैं और जाने में दिक्कत होता है। जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो जल जमाव हो जाता है और इससे व्यवधान आती है शिक्षण कार्य में, बच्चों को भी दिक्कतें होती है बाहर निकलने में, रूम से कमरे से बाहर निकलते ही पाँव में पानी लगता है जिससे पैर में भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। और शिक्षक वर्ग में जाने ऑफिस से जब वर्ग में जाते हैं या वर्ग से फिर ऑफिस में आते हैं तो पानी से गुजरना पड़ता है उनको। जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो हमारे बच्चे के ही समान हैं, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका मदद करूं। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाई है। मैं चाहती हूं कि इस स्कूल के प्रांगण में मिट्टी भराए तथा निकासी नाला बनाया जाए। जितने भाई बहनों हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारी मदद कर सकते हैं फ़ोन कर करके। हमारे जिला शासन पदाधिकारी का नंबर है 94 30 93 13 66, इन पर कॉल करके दबाव बनावे कि जल्द से जल्द स्कूल के प्रांगण में मिट्टी भराए, निकासी नाला बनाया जाए। मैं रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया अनहट के लिए।